गुड मॉर्निंग टू ऑल द चिल्ड्रन क्लास सेकेंड सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ एक्सरसाइज है आपकी 1.2 पॉइंट ए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट राइट मीन्स लिखना है द प्लेस मीन्स स्थान वैल्यू मीन्स मान ऑफ मीन्स का ईच मीन्स प्रत्येक डिजिट मीन्स जो आपको डिजिट वर्ड दिए गए हैं उनके स्थानीय मान लिखना है कैसे लिखोगे जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं 137 लिखा हुआ है तो 7 का मीन्स यहाँ पे हम देख लेंगे जैसे 1, 2, 3 इसको बोलेंगे वंस इसको बोलेंगे टेंस और इसको बोलेंगे 100 तो 3 का मान क्या निकलेगा ओनली सिंगल 3 वंस है 2 का मान लिखा निकलेगा 20 और 100 का मान निकलेगा 100 तो इस तरीके से हम 123 ये हमारा हुआ स्थानीय मान जो हमने प्लेस वैल्यू को बताया इसी तरीके से जो आपको डिजिट दिए गए हैं ऊपर उन सभी के आपको प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताना है जैसे 7 तो 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है 7 सिंगल है वंस तो इसको 7 सिंगल लिखा 3 टेन से हमारा तो 30 लिखा 30 और 1 हमारा 100 तो 100 इसी तरीके से सारे जो डिजिट दिए हैं उनके प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान आपको बताना है यहाँ पे आता यहाँ देखो ये रॉन्ग है 500 इस तरीके से सारे आपको स्थानीय मान बताना है नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बी राइट द नंबर अब यहाँ पे आपको नंबर लिखना है जो आपके स्थानीय मान थे उनका उल्टा करना है वहाँ पे आपको डिजिट दिए थे तो आप स्थानीय मान बता रहे थे उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है और उसका आपको नंबर्स लिखना है डिजिट लिखना है जैसे 7 तो 7 सिंगल है तो वो क्या है वंस पर 90 टेंस पर आएगा और 100 किस पर आएगा 200 पर आएगा मतलब थर्ड नंबर पर आएगा इस तरीके से आपको जो मान दिए गए हैं उनके डिजिट राइट करना है ऊपर अब देखते हैं पॉइंट सी राइट द नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म राइट लिखना है नंबर्स को इन मीन्स में देयर एक्सपेंडेड फॉर्म इनके लिए कैसा लिखना है विस्तार से करके लिखना है मीन्स उसको विस्तारित करना है जैसे आप देख रहे हैं नंबर बॉक्स बना हुआ है फिर एच लिखा हुआ है उसका मीन्स होगा 100 टी लिखा हुआ है उसका मीन्स होगा टेंस वो ओ लिखा हुआ है तो उसका मीन्स होगा वंस और फिर यहाँ पे इन्होंने इसको विस्तार से कर दिया ये देखो एक्सपेंडेड इसको फैला दिया मतलब क्लियर करके लिख दिया जैसे यहाँ पे आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है नंबर 167 तो इसको पहले तोड़ा 100 में हो गया 1 टेंस में आ गया 6 और 7 आ गया वंस में तो इनको तोड़ दिया इसके बाद अब इनको विस्तार में मतलब इनको किस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 को 100 में लिखा 6 को 60 बनाया टेंस और 7 वंस तो इस तरीके से हमने इनको यहाँ पे तोड़ा है और यहाँ पे हमने इनका सही रूप बता दिया अब 135 जो हैं तो उनको कैसे तोड़ेंगे 100 में आएगा 3 टेंस में आएगा और 5 वंस में आएगा फिर 100 प्लस 30 प्लस 5 तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया इस तरीके से सारे डिजिट आपको राइट जो नंबर्स हैं उनको पहले यहाँ पे वंस टेंस और 100 में रखना है इसके बाद आपको यहाँ पे उसको एक्सपेंड करना है इसके बाद आते हैं पॉइंट डी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट राइट लिखना है द प्लेस वैल्यू स्थानीय मान ऑफ द कलर डिजिट जो आपको रंगीन कलर के रंगीन डिजिट दिखाई दे रहे हैं बर्ड उनके आपको स्थानीय मान बताना है जैसे अभी हम सारे डिजिट का बता रहे थे स्थानीय मान अभी हमें ओनली जो कलर हैं आपके डिजिट उन पर उनका स्थानीय मान बताना है जैसे आप देखेंगे 1, 5, 2 अब 5 जो है वो कैसा है कलर्ड है तो 2 का क्या आ जाएगा वंस तो 2 सिंगल रहेगा 5 का मान टेंस पर रहेगा तो 50 हो जाएगा और 100 हो जाएगा तो इस तरीके से इसका मान निकला टेंस तो 5 का मान हुआ 15 264 तो 4 का मान बताना है इसमें तो 4 तो वंस ही पे रखा हुआ है क्यों क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 264 तो ये हमारा वंस है ये टेंस है और ये 100 है
तो फोर वंस है तो सिंगल फोर, तो यहाँ पे हमने फोर डिज राइट किया। इस तरीके से जो आपके रंगीन डिजिट दिखाई दे रहे हैं सभी में आपको मान निकाल के राइट करना है। पॉइंट ई, फिल इन द ब्लैंक्स 200 और 310, तो यहाँ पे आपको इसके क्या बताना है ब्लैंक्स। जैसे आपको यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है 200, तो 200 310, तो 3 को टेंस लिख दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग भरा है, सॉरी 230 होगा यहाँ। क्यों होगा? क्योंकि 3 को टेंस बताया है, तो टेंस में हम 10 बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया हमारा 230। नेक्स्ट है 910 + 7, तो इसको हमने क्या करना है, इनको मतलब ब्लैंक्स में अब पूरी तरीके से लिख देना है। ये हमें अलग तोड़ के दिया है और यहाँ पे ये एक्सपेंडेड तरीके से दिया है और ये हमें नंबर में लिखना है, तो 917 सीधा डायरेक्ट लिख देंगे 917। 700 + 210 + 9 वंस, तो जैसे हमने बताया आपको 700 है तो 7 आप से आगे रखा, फिर 2 बीच में रखा टेंस पर और 9 हमारा सबसे लास्ट में, तो 729, ये हो गया हमारा नंबर। 600 + 90 + 2, तो इसको भी इसी तरीके से लिखना है, 600 है और 92 डायरेक्ट राइट कर देंगे हम, इसका क्या बना देंगे नंबर। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज 2.1.2 कंप्लीट करनी है, बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी, पेयर नोटबुक में भी राइट करना है एक्सरसाइज को। बाकी इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 आपकी कल होगी। यहाँ तक आपको गुड राइटिंग में स्थानीय मान और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सारे कंप्लीट करना है बेस्ट।